आज हम लोग फिर से खेलने वाले एक हॉरर गेम सो यस अब हम लोग अपने पुराने रंग में वापस आ चुके हैं और मैं तुम लोगों को पहले बताना चाहता हूँ गाइस कि अब जब भी मैं हॉरर गेम्स खेलता हूँ ना मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है यस वी आर आउट कोई तो है कोई तो कोई तो मेरे पीछे छोड़ो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर थ्री अब जब लास्ट टाइम में मैंने ग्रैनी चैप्टर थ्री खेली थी ना तो भाई इस ग्रैंड माने ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था बार बार मेरे पीछे शॉर्ट गलने के पड़ता और बार बार शॉर्ट गल लेके मुझे मार देता था भाई ये और इसके अलावा हमारी ग्रैनी तो है ही है जो मतलब डंडा हमारे सर पे मारती है अब उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पर स्लेंडरीना भी ऐड कर दिया जो भाई साहब हर दो तीन मिनट में आकर हमारे पीछे खड़ी हो जाती है हमको हार्ट अटैक देने के लिए सो आज कुछ भी हो जाए इनके घर से स्केप करना ही करना मतलब मैं पूरा खुद को मेंटली प्रिपेयर करके आया आऊ की इनके घर से स्केप करना ही करना गाइस तो भाई बिना नाई फोड़े लेट्स बिग और अभी मैं इनका इंट्रो यहां पर ऑफ रखने वाला बिकॉज लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इंट्रो ऑलरेडी देख लिया है गाइस लेट्स स्टार्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रटेजी बनाई हुई है आज मैं क्या कर सकता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम पे नेटी परसेंट इनके जो पजल्स है वो पार कर दिए थे थोड़े बहुत बचे थे जो कि आज हम लोग फिगर आउट कर ही देंगे जैसे ना ऐसे करके सो so, या yeah, हम लोग उठ चुके हैं इनके बेसमेंट के अंदर एंड आई नो वन थिंग की यहां से बाहर इन्होंने रखा होता है एक पिक एंड लॉक पिक से फटाफट इसको खोलते हैं बिकॉज अगर हम लोगो ने यहाँ पर लेट कर दी ना तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होने वाली है बिकॉज ये लोग ना ऊपर से नीचे आ ही जाते हैं अपने आप ही ओके अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे इस वाले दरवाजे को खोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज से अंदर हमारे मुकेश भैया एंड मुकेश भैया का जो हमारा ये वाला कमरा है ना ये बहुत ही ज्यादा काम का बिकॉज कई बार हमारे पीछे ग्रैंड ग्रैंड पर पड़ जाते हैं तो यहाँ से अंदर हम लोग छुप सकते हैं और मुकेश भाई क्या हाल चाल बढ़िया सब बट अभी एक चीज यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ फटाफट ओके कि यहाँ पर हमें कौन से की की जरूरत है आई नीड अ पैड लॉक की ओके मुझे याद रखना पड़ेगा कि पैड

उंड माय गॉड मुझे ग्रांडपतिभा भागो, भागो, भागो। okay, मिनट के लिए और तुम लोग कैसे भी हेडफोन जरूर पहनना बिकॉज हेडफोन में ही तुम को आएगी इस गेम की मुझे अभी, अभी सुनाई दिया ग्रैंड से बाहर है okay, okay, so, एक्साइटेड हो तो so लीव like. इस वीडियो का लाइक गेम रखते पूरे एक लाख लाइक का पिछली वीडियो भी एटी लाइक्स पे पहुंच चुकी है विच इज बिग थिंग एंड इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड पकड़ के दिखाओ तुम लोग मेरे को मान जाऊंगा देखो यहाँ से बाहर ग्रैंड पर यस नाइस मैं अभी यहाँ से आगे के लिए जाने वाला किचन के लिए ओके आई डोंट नो हमारी ग्रैनी की पोजीशन क्या है इस वक्त ओके okay, मुझे अब ग्रैनी आई की ग्रैंड पाया ग्रैंड पा आएगा तो भाई ये सीधा ही मेरे को मारने वाला है ओके ग्रैनी है नाइस आई एम है अभी घूम के आएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चुपचाप से बाय बाय टाटा सी उड़िया जी जाता है इस दरवाजे को बंद करूंगा मैं ओके ग्रैंड हमारी पीछे है एंड ऊपर कोई नहीं है दिस इज जस्ट परफेक्ट हमें यहां से ऊपर जा सकता हूं मतलब फिलहाल को बिकॉज ग्रैंड है आई नो दिस यहाँ पर कुछ है क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं नो शोर हो गया कम ऑन यार मैंने शोर sure कर दिया वहां पे इसको खोल के रखते हैं इस दरवाजे को बिकॉज ये भी एक होता है बिकॉज ये वाला दरवाजा नहीं वाला दरवाजा गॉड मार दिया था इसने भाई अभी कसम सेन थिंग लिफ्ट को नीचे बुलाते हमें कहा लेकर जाते हैं फिलहाल को आइडिया नहीं है बट मैं देखना चाहूंगा हमें उस लकड़ी का काम है मैं वही सोच रहा हूँ तो लकड़ी हमें यहाँ चाहिए मतलब हमें यहाँ पे आग जलानी है बट क्यों आग जलाने का क्या काम हो सकता है वो तो बाद में पता चलेगा भाई कहा गई नीचे चली गई क्या ये नीचे नहीं ऊपर चली गई है वो उसको ऊपर से नीचे बुलाना पड़ेगा फिर से मैं ये देखना कि हमें लिफ्ट कहा लेके जाती है इसको मैं दबाता और खुद यहाँ से नीचे चलते है हमारे लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं नाइस एंड सब तो टॉप फ्लोर देखो वहा ऊपर है ना ओपनिंग है वहां से ऊपर भी पर वो केस से इसकी ओपनिंग है आई ओके यहाँ से ऊपर चलते हैं

मैं यहां से अंदर जाकर चेक कर लेता हूं एक बार यहां से अंदर क्या ये क्या है ये पालना रखा हुआ है पे एंड ओल्ड क्रिब ओ गॉड कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रैनी चैप्टर की तरह हम लोग यहाँ पे टेडी को रखना है एंड जैसे हम लोग टेडी को रखेंगे तो यहाँ पर हमारी सिलेंडर इतना गायब हो जाएगी बिकॉज उसमें भी ऐसा ही होता रहा ओके नहीं नो सिल्लीज प्लीज 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 इसको गायब करना बहुत जरूरी है ओ माई फट्टा यहाँ पे रखा हुआ है आई हैव अ ब्रिलियंट प्लान अभी ऐसा करते हैं इस फट्टे को लेकर मैं चलता हूं और इसको मैं नीचे यहां से गिरा देता हूं अगर ये नीचे गिरेगा गिरेगा हाय शाबाश अब यहां पे शोर हो गया यार शेट यार अब यहां पे ग्रैनी आ जाएगी और किस्मत हमारी अच्छी गाइस कि टेडी हम लोगों को नीचे वाले फ्लोर पे मिल चुका है फटाफट में टेडी को लेकर यहाँ पर डालने वाला लेट्स सी की मेरी थ्योरी काम आती है कि नहीं आती है ओके okay, मैं नीचे आने वाला गाइस बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं इस वक्त और खुद यहाँ से बाहर चलते है नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को बाहर जाना था वहां से अब मुझे फिर से एक बार ऊपर जाना पड़ेगा और बिल्कुल आगे एज पे खड़े रहते हैं ना ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं इजीली यहाँ से इजीली बाहर निकलने का है या शाबाश और इस को उठा भाई ओके 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 आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मैंने गलती कर दी एक्चुअली गाइस बिकॉज को हाथ ग्रैनी आ जाती है यार मैंने गलती कर दिया इसको कर इसको दबा दबा के के रख कमान कमन 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 कमान 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 फटाफट ग्रैनी के आने से पहले लिफ्ट नीचे के लिए चली जाए बस मैं ये चाहता हूँ यार लिफ्ट नीचे जा चुकी है दिस इज नाइस दिस इज नाइस और यहां से अंदर चल अंदर चल ये बच गया

अभी समय आ चुका है हमारी थ्योरी को टेस्ट करने का इसको मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ यस yes, हमारी सिलेंडर आ चुकी है अब देखते है क्या करती है ये और यहाँ से गायब हो गई है ओए इस तो, तो चाबी दे दी है स्लेंड्रेना इज नाउ गॉन यस yes, अब मुझे हार्ट अटैक नहीं मिलेगा सेफ की मिली है मेरे को नाइस आई लाइक दिस सेफ की और सेफ हमारा नीचे वाले फ्लोर पे बाथरूम में आता है ओके okay. इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर गाइस आई एम हैप्पी एक्चुअली मैं नीचे जा रहा हूँ अभी और यहाँ सामने से मैं देखने वाला बाहर के लिए कि ग्रैनी कहाँ है ओके okay, सामने कोई नहीं दिख रहा है नाइस इसका मतलब बाथरूम में चुप चुप के जा सकता हूँ एंड या आई थिंक अंदर कोई नहीं। कोई नहीं नहीं है नाइस यस 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 प्लीज प्लीज खुल जाए इसके अंदर क्या होगा सेफ के अंदर कोकोनट रखा हुआ है नाइस अब इस कोकोनट को लेकर तो नीचे जाना है मेरे को ब्रो और इसको लेकर मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा नीचे नो 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 बिल्कुल नहीं भाई ऐसा रिस्क तो मैं ले नहीं सकता हूँ इसको लेकर अबे फट्टे शोर कर देगा ये फट्टा पक्का शोर कर देगा इसको हम लोग यहां से नीचे ड्रॉप कर देंगे बिकॉज इसका काम हमें सबसे लास्ट में राइट एंड लेट्स गो सामने इस प्लान को ऊपर लगाना है को कमरे बुढ़िया यहां से ऊपर ना हो बस आहा! अभी कैसे खुलता से खुलता है ई दबाना था मेरे को एक्चुअली एंड इसको वापस उठा दे बेटे और खुद यहाँ से उपचल ओके okay, मैं डरी गया अभी यार एकदम से यार मैं कहा भाई ये क्या सीन हो गया ओके okay, अभी फटाफट इस फट्टे को ऊपर लगाने का है यहाँ पे लगा 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 ऑप्शन अरे ऑप्शन आ गया ये प्लेस कर दिया है एंड हम लोग यहां से आगे जाएंगे आराम से नाइस अरे भाई, भाई 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 ये वाली मिस्टेप मैंने लास्ट टाइम पे सॉल्व नहीं करी थी यार बहुत खुशी हो रही है यार एंड अभी तक हम लोग शायद एक भी बार नहीं मरे यहां से आगे चलो क्राउच करके बिकॉज बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए ये क्या ब्रिज क्रैंक अब ब्रिज क्रैंक क्या होता है यार

अबे रास्ता चेंज करता है भाई ये आदमी अरे मेरे को पढ़ने वाली है अभी कसम से शॉर्ट गॉड बच गया अब देखो, अब देखो ऊपर इसने शोर कर दिया है ना तो इसका मतलब है कि ऊपर ग्रानी चली जाएगी हमारी एंड हमारे पास अभी रास्ता है बाहर जाने का नाइस बिकॉज ऊपर उसने शॉर्ट गन मारी है अब मैं क्या करूंगा यहां से मैं कुछ ना कुछ निकाल सकता इसके अंदर कौन सी की होगी लक्सी इसके अंदर हमारी वैप की नाइस nice. अबे कोकोनट कितना दूर उड़ के गया वेपन की का मतलब मेरे को गुलेल मिलने वाली गाइस एंड गुलेल का मतलब है कि ओ oh यस yes! देखो गाइस अगर हमारे पास गुलेल होगी ना हाथ में एज अ वेपन तो मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों को बार बार बेहोश कर सकता हूँ जिससे क्या होगा कि मैं बहुत ही आसानी के साथ इस गेम को पार कर सकता हूँ आई आई हैव टू टेक दैट रिस्क ब्रो मैं भी ऊपर जाने वाला है पत्थर हाथ उठा के रखते हैं ना बिकॉज गुलेल के लिए हमें पत्थर की जरूरत है ओके okay, बुड्ढा दिख रहा है बुढ़ा दिख रहा है बुढ़ा दिख रहा है बुढ़ा दिख रहा है इधर को ना ये बुढ़े मैं बैठ के पत्थर उठाना चाहता हूँ बस एक बार भाग 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 प्लीज नहीं के निशाने थोड़े खराब है बच गया थैंक यू भगवान जी के अंधा है एक्चुअली तो इसके निशाने खराब ओ माय गॉड अगर ये मुझे अभी मार देता ना यार मुझे क्या ही दुख होता यार ठीक है बुजुर्ग बुढ़ी हमारी अंदर जा चुकी है दिख रही है मुंह के सामने जाते हुए इसको मारने वाला मैं अभी लाइक सीरियसली बता रहा हूं जैसे ये उठेगा सो रहा है ना सोते सोते भी तो मार सकता हूं अब सोते सोते मार दिया <laughs> अब ये बंदा गया अभी, अभी ग्रैनी आने वाली है Oh my God, this is just perfect यार मुझे मतलब इस बंदे को कुछ बेहोश वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये अपने आप ही लेटा हुआ था मेरी आंखों के सामने ये इतना बुजुर्ग है कि भाई साहब इसको यहाँ पे नैप लेने की जरूरत पड़ती है आ, मैंने इसको क्या आ, कर दिया <laughs> मैंने गलती से ना गए यहां पे ये दबा दिया यार ड्रॉप करने वाला बटन यार मुझे शूट वाला बटन दबाना था मैं पैनिक कर गया ऐसे हाथ कांप रहे मेरे अभी भी यार कसम से मिस्ट्री सॉल्व होने वाली थी अभी यहाँ पे समझ रहे हो तुम लोग कोई बात नहीं छोटी सी गलती मैंने कर दी है बट अब मैं ध्यान दूंगा इस चीज का कुछ भी हो जाएगा मेरे को यहाँ पर ये करना ही करना है अब देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हो चुकी है ना कि कहीं ग्रैंड पा मेरे हाथ से फिर से ये शॉर्ट गन लेना जाए अपने पास ये दिक्कत हो सकती है इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं मुझे शॉर्ट गन चाहिए मेरे हाथ में यार सीरियसली मैन ठीक है ये मैच बॉक्स ओके ग्रानी आगे ग्रानी आगे आगे भागो 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 मुकेश मैं आ रहा आरो नीचे भाई भाई मैं आ रहा आरो नीचे यार Yeah, yeah, जगह रख मेरे लिए थैंक यू थैंक यू भाई अब मैं इधर छुपा रहेगा दो मिनट के लिए कोई कोई बात कोई बात नहीं नहीं अब ग्रैंड से सोया हुआ होगा अभी तक या फिर ग्रैंड पा खड़ा हो गया होगा वो चीज मुझे नहीं पता गाइस अब देखते ग्रैनी गई है ग्रैनी हमारी आई गेस ऊपर वापस चली गई है शायद से आ नहीं ना मारियो शॉर्ट गन वापस उठा दी सच्ची में यार एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे दो दिन वेस्ट हो चुके हैं अभी डे थ्री यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ओके ग्रैनी वहां जा रही है ग्रैनी जा चुकी है नाइस अब ग्रैंड पा आई गेस ऊपर ही होगा जितना मुझे पता है और ग्रैंड पा के पास हाथ में आ चुके ओके शॉर्ट अंदर चला गया बुढा बाथरूम के लिए चला गया ये यार नाइस बैन नाइस अब देखो तुम लोग यहां पे अब मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूं जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसको खोलेंगे फटाफट खोल और इसको हाथ बुठा दे स्लिंग शॉर्ट को सर जी अब आ जाओ आप यार अब बताऊंगा मैं अब मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाला बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं गई इस वक्त इनफैक्ट मैं सुबह जा रहा हूं की तैसी पटाखा और पर सो चुका है बुजुर्ग अंकल कर क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इसकी टपली मारी मैंने अभी अभी रहे <laughs> <laughs> पर इसके हाथ से शॉर्ट गन छूटी नहीं है okay, मैं इसके पास नहीं जा रहा चाहता हूं फिर से शॉर्ट मार सकता है डर लग रहा है करना क्या है चल जी आपको हो क्या ये आप कल क्या ले हो ये मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं मुझे मारेगा तो नहीं आगे बुढ़िया आगे बुढ़िया आगे लेट्स सी आजा आजा आंटी तेरे को टपली मार दी मैंने एंड या आई थिंक आई हैव वन लेफ्ट पत्थर और इससे अबे दरवाजा बंद हो गया ब्रो नहीं अच्छा टपली मार के क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे आई गेस बेहोश टाइप हो जाते हैं बट मेरे को तो इससे वो चाहिए थी यार मेरे को कह से ना ऊपर जाना है एक बारी मेरे दिमाग में अभी एक बहुत ही अच्छा प्लान आया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो डाउन नीचे ओके okay, बिकॉज मुझे पत्थरों की जरूरत है अभी यार मैंने जो गाइस इससे पहले शॉट गन मरवाई ना यार ये ग्रैंड पर फिर से उठा देता है यार अपने को तो आइडिया नहीं था ब्रो इस बारे में यार कि मतलब ये बंदा इतना चला के कि ये फिर से उठा देगा उसको ओके लैस को आप एंड सबसे टॉप फ्लोर पे चलते हैं वहां पर मुझे जो वो वेस्ट दिखाया ना गाइस उस वेस को नीचे गिराते हैं एक बार आएगा सर स्लिंग से ही होगा ना गाइस उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता ये सेंस बना रही है कोई बात या वी आर एट द टॉप वी आर एट द टॉप यहां से मैं इसको अभी कैसे गिरा यार पटाखा बच जाइए प्लीज ये बचेगा अरे बच गया नाइस नाइस परफेक्ट अब देखो यहां पे शोर हो चुका है तो ग्रैनी तो यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है दैट इज फॉर श्योर इसके ल, इसके अलावा वहां पर भी है देखो वहां पे एक और है ठीक है इस वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर करके एम करूंगा ताकि ये बजे इसको यस यस बजे उसको अब बाहर शोर हो चुका है तो ग्रैनी तो वहां पर जाने वाली है यू नो गाइस लेट्स गो नीचे फर्स्ट अब मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ तो मुझे पत्थर रिफिल करने पड़ेंगे ये मेरे पास आते ही इन लोगों को मैंने शूट करना है मुझे और कुछ नहीं करना भाई देखो वहां पर हमारे एक वेस्ट वेस्ट पड़ा हुआ है इस को यहाँ पे गिरा देना चाहिए था वैसे लोग अभी अभी यार सीरियसली इन वेस्ट का तो भाई हम लोग काम कर ही देंगे ना वो तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने कुछ की टेंशन नहीं है वेस्ट की ओके okay, मेरी ग्रैनी मेरी आंखों के सामने गई ग्रैनी अभी अभी यार देखो पीछे वहां जा रही है ऊपर जाने के लिए ये बंदी है ना

मार दिया दे देते मेरे को अभी यार ऑलमोस्ट यार क्या आदमी है भाई ये बुढ़्ढे मेरे को मेरी अबे गन मैं ले सकता हूं इसके हाथ से यार ये क्या मजाक है ले तेरे को मैं तेरे को मैं सोते सोते मारेगा ताकि तू ढाई मिनट के लिए गायब हो जाए अब देख तू अब तेरी बुजुर्ग आंटी को आने देख भरी अब बताता हूं मैं इसको और यहां पर क्या ये रखा हुआ अभी पैडलॉक की तो यहां पे रखी हुई है ऑलरेडी ब्रोम्स तो अगर पैड लॉक यहां पे रखी हुई है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई इतनी देर से लेके ये हमारी दादी जी भी जा चुकी है नीचे फेंकने वाला हूँ शॉर्ट गन को और यहाँ से पैड लॉक की को उठाते हैं भाई साहब है ना अब का काम सबसे नीचे सबसे लास्ट में है अब बस एक चीज का ध्यान देना है सी मैं क्या करने वाला हूं अभी पैड को पहले तो मैं नीचे फेंकने वाला यहाँ पे ठीक है भाई और यहां से मेरे को ये वापस चाहिए शॉर्ट गन वाई बिकॉज शॉर्ट गन को ये लोग उठा देते हैं आई मीन ये ग्रैंड पाना वापस उठा देता शॉर्ट गन को और ये ही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि बार बार शॉर्ट को वापस उठा मैच बॉक्स मिल चुका है मेरे को यहाँ पे यार और स्लिंग शॉट फिलहाल को मुझे स्लिंग शॉट की जरूरत नहीं है गाइस बिकॉज स्लिंग शॉट मेरे को सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी में काम आ सकता है एंड या आई थिंक मेरे को उस वेस्ट के लिए काम आना था स्लिंग शॉट यार अभी भी मेरे पास टाइम बहुत बचा हुआ है सो आई थिंक आई कैन डू वन थिंग कि मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ सेफली और इस वेस को उठा के ना यहाँ से नीचे लेके चलते हैं तो फिर इसको यहीं पर गिरा मेरी शॉर्ट गन है वेज में शॉर्ट शॉर्ट गन के साथ रिस्क नहीं लेना यार गाइस कुछ भी हो जाए शॉर्ट गन के साथ रिस्क का मतलब है कि भाई फिर से ग्रैंड पा के हाथ में शॉर्ट गन आ जाएगी ये बंदा उठा देता है यार बहुत तेज आदमी है ये और अभी मैं एक काम करने वाला इसको उठाएंगे और इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे यहाँ से बाहर देखते हैं ये लोग अभी भी नीचे कहीं ना कहीं गायब हुए यार आई हुआ मिनट अभी तो कम्पलीट हुए नहीं है वो यहाँ पर एक और वेस्ट पड़ा हुआ है ना कि मैं इस वेस्ट का काम कर सकता हूँ यहाँ से अंदर क्या होता है भाई यहाँ से अंदर क्या कुछ है यहाँ पर कुछ भी नहीं किसका कमरा ये इस कमरे में लास्ट टाइम पे भी नहीं गया था ओ माई भी एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे ऊपर वो कबूतर बैठा होता है ना कबूतर क्या होता है वो तोता बैठा होता है ऊपर उसकी बैंड बजा सकता हूं मैं अभी हाँ भाई पिछली बार तू बड़ा बारी हीरो बन रहा था यार ये मुझे ना पे हाथ लगाने नहीं देता ओके इसके पास है शेड की अब मैं तेरे को मार डालेगा ऐसा करेगा मैं तेरे साथ अब बता मेरे को तू ऐसी की तैसी बस बदसूरत कहीं का एंड हमारा शेड किस डायरेक्शन में आता है सी मैं भी क्या करने वाला गई मुझे कुछ भी हो जाए ये शॉर्ट गन लूज नहीं करनी है शॉर्ट गन लूज नहीं करनी है किसी भी हालत में शूट आ, लूज नहीं करनी है सो वेर इज दैट शेड सही मैं क्या करने वाला सी इसको पहले नीचे गिरा था।, था नहीं नहीं वापस 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 तू आ एक सेकंड रुक जा भाई ऐसा नहीं करना यार इसको मैं इधर गिराऊंगा बड़े आराम से इधर ही रहियो इधर ही रहियो ओके okay? और यहां से मैं इसको उठाने वाला हूँ शेड की को और यार इतनी तेज धक धक क्यों हो रही है यार यहाँ पे ये क्या मजाक हो रहा है और इसको यहां से मैं नीचे गिराऊंगा पहले ये गई यहां से सीधा ही नीचे नाइस एंड शॉर्ट गन आ, वापस आ जा भाई एक बार और खुद यहां से आराम से नीचे चलते हैं आराम से अब देखो मैं पर क्या करने वाला हूं यहाँ पर गिरा कर इसको उठाएंगे और इसको मैं नीचे ड्रॉप कर देने वाला हूँ जमीन पे या दैट्स माई प्लान और यहां से बड़े आराम से जाएंगे नीचे ओके यस थैंक गॉड आई सी यू मुझे सुनाई दिया बुजुर्ग जी ने बोला आई सी यू इफ यू सी मी एंड गैट मी अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा बुजुर्ग तेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं है समझा दो ढाई मिनट के लिए बंदा गायब है ना अब कुछ भी हो जाए ग्रैनी को बेहोश करना पड़ेगा भाई नहीं मैं आसानी कर मैं रिस्क नहीं ले सकता ग्रैनी को बेहोश करना ही पड़ेगा सिर्फ दो ढाई मिनट की बात है कहां से आएगी कुछ पता ही नहीं है भाई लेडीज लोग बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल होते हैं भाई सब प्रडिक्ट करना ही नामुमकिन है कि ग्रैनी किधर से आएगी चुपचाप से शेड की उठाता हूँ शेड के अंदर चलता देखते हैं उसके अंदर क्या है नीचे लेट oh आ रहा है आराम ग्रानी। ग्रानी मुझे मुझे से मुझे आई लो टाइम वेस्ट ना करे यार चुपचाप से आ जाए एकदम से इस शेड के पास ही मैं इसको फेंकने वाला पहले तो ठीक है शेड के पास फेंकेंगे शॉर्ट गन को एंड देन इसको लेकर आते हैं और इस इसलिंग शॉर्ट के लिए पत्थर भी उठा के रखते हैं भाई <laughs> दो ढाई मिनट खत्म होने वाले हैं या लेट्स सी इसके अंदर क्या है ये क्या है हेलो वो आई कांट स्टार्ट द जेनरेटर अबे जनरेटर भी कुछ ना कुछ है यार स्टार्ट करने के लिए पर एक फ्यूज दिया हुआ है फ्यूज आई थिंक ये हमारे ऊपर वाले सिस्टम के लिए काम में आ सकता है फ्यूज बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो ऐसा करते हैं अगर ये ऊपर काम आ सकता है तो इसको ना यहां से अंदर फेंक के रखते हैं ओके okay? इसको ऊपर लेके जाएंगे टॉप वाले फ्लोर पे और शॉर्ट गन को हाथ में उठा दे भाई या yeah!

यहाँ पे शोर करते हैं ताकि ग्रैनी ऊपर आए यार ये आई ग्रैनी ग्रैनी हमारी जाएगी एंड वेर इज द दी वेर आर यू कुछ आइडिया नहीं इस बंदे का यार धप्पा मारेगा फ्रेंड में और क्या होगा मेरे को रिस्क नहीं लेना है इसीलिए मैं गाइस क्या कर रहा हूँ इसको मैं नीचे यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ लिफ्ट के अंदर बिकॉज आई नो कि लिफ्ट के अंदर ग्रैंड पा नहीं आएगा और ग्रैनी हमारी सोई हुई है दैट इज फॉर श्योर तो यहाँ पर इसको लेकर चलते नीचे अबे यार वो फ्यूज एक सेकंड रुको जरा मैं को देख लेता हूँ क्या वो फ्यूज यहां लगेगा मेरे को दिखा था इससे पहले यार आई नीड अ फ्यूज आई नो दिस यार सीरियसली पर मुझे शेद दिखा था फ्यूज यहीं पे लगने वाला है एंड मुझे अभी अभी आवाज सुनाई दी है एंड मैं जाने वाला से डायरेक्ट नीचे एंड यहाँ पर मुझे पानी दिखा था ये देखो यहाँ पे पानी है ना ये सी इट्स फुल बेटर नॉट ड्रॉप इट अभी मेरे को इसको ड्रॉप नहीं करना है बस ठीक है अब तो गेम ने भी बता दिया मेरे को ब्रो अभी चुपचाप से नीचे लेके जाना है इसको वेर इज ग्रैंड एंड ग्रैंड नो आईडिया उसी टाइम पर कैसे जाते हैं ब्रो ये चुपचाप से बाहर हाँ चल अब ग्रैनी नहीं दिखनी चाहिए बस हाँ मेरी शॉर्ट गन भी अंदर पड़ी हुई है मैं इसको अभी अभी मैं अगर शॉर्ट गन अभी उठाता ना तो दिक्कत हो तो जानती बिकॉज गेम ने मुझे साफ साफ बोला है कि भाई बेटर नॉट ड्रॉप इट ठीक है बुजुर्ग जी को हमने चकमा दे दिया है चुपचाप से नीचे जाएंगे यहाँ से आ नो 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 इसको बंद कर अभी बुजुर्ग नीचे नहीं आएगा ये या बॉयस अब मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ दो सेकंड के लिए यार है ना छुप जाते हैं मुकेश भाई आई एम बैक बहुत अच्छा खेल रहा हूँ मैं इस बार यार सीरियसली <laughs> थोड़ा सा मुझे यकीन है कि शायद से इस बार मैं कुछ कर दूं ओके okay, ये ऊपर या नीचे नहीं आया बंदा नाइस यहाँ पर बात कर रहा पे ये देखो यहाँ पे ये देखो सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ समेस्टियल तो मैंने किया तो है आ यस काम कर रही है ये ये काम कर रहा है और मैं पैड लॉक लेके आ रहा हूं इसके नीचे क्या आई थिंक अगर इसके नीचे इस सीवरेज का रास्ता हुआ तो हम लोग यहीं से स्किप कर जाएंगे अभी यार ये तो सही है ना बट ध्यान भी देना पड़ेगा ये जो हमारा नीचे ये है ना डंजन है ना गाइस पर ये लोग एंट्री मारते रहते हैं तो जितना जल्द जल्द काम कर सकता करना पड़ेगा इसको उठाया एंड इसको बंद करे एक बार यार ऐसी हरकत नहीं चाहिए मेरे को पैड लॉक की को खोल देते फटाफट मुझे एक और वेस्ट लेकर आना इस साइड के लिए इसको भी खोल दिया नाइस अभी ये क्या है आई थिंक सीवरेज का रास्ता ही है भाई भागने का रास्ता ही है फीलिंग आ रही है हमको गाइस फीलिंग आ रही है अब बस चुपचाप से यहाँ पे किचन के अंदर जाना है या इधर कोई भी नहीं है नाइस 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 अभी किचन के अंदर ग्रैनी हो सकती है पूरे चांसेस है प्लीज 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 धप्पा ना करियो धप्पा ना करियो धप्पा ना करियो धप्पा ना करियो नहीं है आई एम शो है लेट्स डू दिस यार लेट्स डू दिस वन मोर टाइम इन दोनों को ठोक देते हैं एक बार यार यू आर अ गुड बुढ़िया एक पड़ेगा तेरे को अब ढाई मिनट के लिए मेरे को यहाँ पे चैन की सांस मिलने वाली है ठीक है ये अंदर अन, ही रही हो शॉर्टन अंदर ही रही हो बुजुर्ग आएगा तेरे को उठाने की कोशिश करेगा पर प्लीज उसके हाथ में ना आइयो तू बुजुर्ग बॉय कहा गया बुजुर्ग बॉय कहा गया ठीक है भाई रास्ते में नहीं है बुजुर्ग बॉय या दिस इज गुड एंड अब मैं यहां से नीचे जा सकता हूँ नीचे तो नहीं है कहीं गया पहले से यार हो बंदा वो हरकते भी कर ये देखो भाई साहब ये देखो भाई साहब यार तुस्सी कमाल कर रहे हो यार भाई अब इसको अपने पीछे भगाना पड़ेगा एक बार इधर आओ अंकल इधर आ जा हाँ इधर आ जा नीचे खड़ा था फालतू में यार मतलब बिना किसी कारण यार कमाल है भाई आजा आजा, आजा शाबाश और अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा खुद और उसको बंद कर लूंगा ताकि मैं देख सकूं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा सा दिमाग का, का काम करते यार और ये यहाँ से जा चुका है नाइस ऊपर जाएगा कि किधर जाएगा वो देखना है अभी ऊपर चला गया ना ठीक है परफेक्ट है ग्रैनी हमारी बेहोश है ग्रैंड पा ऊपर जा चुका है यार रास्ता हमारा साफ है अभी देखते हैं ना भाई इसको वहां पे लगा के कि होता क्या है इसको मैं जैसे लगाऊंगी तो क्या सीवरेज का रास्ता खुल जाएगा ये मैंने लगाया ये नीचे हुआ पहले सबसे पहले सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार पीछे से को से कोई कोई एकदम कुछ तो हुआ कर रहा है अरे भाई 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 गाइस आई नो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो जनरेटर केबल का मतलब है मुझे जाना शेड में जहां पर हमको केबल की जरूरत थी राइट मुझे याद है तो फटाफट चलते हैं एक बारी ग्रैंड पे हमारा ऊपर ग्रैंड अभी तक आउट है भाई मेरे को पूरा कहना है ग्राइंडिंग हमारी उठी नहीं है अभी तक तो चुपचाप से ऐसा करते हैं केबल को लेकर के चलते हैं शेड के अंदर वहां पे उसको लगाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ओके एक शेड के पास पहुंच चुके यहाँ पर लगी केबल हमारी आई गेस या और इसको करेंगे ऑन वो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी रन करी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक इससे पहले कहीं पे लिख के, no के आया था देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक वो ऊपर लिख के आया था वहां पर जहां पर हमारा वो गेट लिखा हुआ था मुझे अब समझ में आ चुका है गाइस नाउ आई जस्ट नीड दैट क्रैंक आई थिंक फर्स्ट मैंने यहाँ पर वो क्रैंक फेंका था ना इससे पहले वेर इज दैट क्रैंक वो क्रैंक कहाँ है ओके uh, सी ये हो गया है ठीक है ना वो बुढ़ा गया था एकदम से नहीं मैं गया अभी ये मैंने क्या कर दिया मैंने ग्रैंड को शॉर्ट कर दिया हाथ में इसके आर यू सीरियस वाड़ी पाए तू मतलब इतना बड़ा नूप कैसे हो सकता है मैंने वो अपने हाथ से यूं फेंक दी शॉर्ट गाथ हाँ, हाँ के सामने यार यार मैंने क्या किया ये एटलीस्ट मैं पा को मारता ग्रैनी के हाथ से मरता और फिर मैं ये गन को अपने हाथ उठा देता अब सिर्फ दो दिन बचे हैं गाइस मेरी मिस्ट्री ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाली है यार मैंने गलती कर दी है ये जितना मुझे लग रहा है मुझे अगर मेन गेट से भागना है मेरे को बस वो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की ऑन करनी है ओ माय गॉड अगर गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिस्ट्री बचेगा सॉल्व करने के लिए अगर मैं अभी मरता हूं ना भाई मैं मतलब इतना दुखी हो जाऊंगा ना मिश्र को सॉल्व करने के इतना करीब आके मरने के बाद कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता यार अभी ओके लेट्स रन अवे ओके कोई ना कोई मेरे पीछे प्लीज ग्रैंड पानी होना चाहिए अरे शॉर्ट गन मार देगा ग्रैंड पानी ग्रैंड पानी हाँ ग्रैंड पानी था शायद से ये ग्रैनी थी ओके okay, ये है इसको दबाएंगे एंड लेट्स okay, को ऊपर ले ओके फ्यूज को लेके ऊपर चलते हैं एक बारी अरे बुढ़िया तेरे साथ मेरे को सिक नहीं खेलनी है यार मेरे को तेरे से बात भी नहीं करनी है तू कमाल कर रही है यार उफ, मेरे हाथ से शॉर्ट गन चली गई यार मेरे हाथ से शॉर्ट गन चले गई गाइस आई एम सो दुखी राइट नाउ यार अब देखो घर पर पता क्या शॉर्ट गन के साथ ना कि अब अब ग्रैंड पा के और को वो देख लिया उसने मेरे को ग्रांडी ने मेरे को देख लिया है वो ऊपर थी इस वक्त अब देखो गाइस दिक्कत पते क्या है ना शॉर्ट गन के साथ क्या दिक्कत होगी कि अब ग्रैंड पा के हाथ पर शॉर्ट गन आ चुके तो वो मेरे को दूर से ही गोली मार सकता है यार

यू यू नो नो एक छोटा सा रिस्क प्लीज नो 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 प्लीज नो प्लीज नो बैठ जा और चुपचाप से नीचे चल 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 बच गया थैंक थैंक यू थेंक यू सो मच मेरा क्रैंक कहाँ गया यार गाइस मैंने उस क्रैंक को लिफ्ट से नीचे गिराया था ना यहाँ से यार वो गायब ही हो गया ब्रो वो गायब हो, हो चुका है गिलिच के थ्रू वो गायब हो गया मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये देखो भाई मैं कहा जा रहा हूँ बच गया थैंक गॉड थैंक गॉड बच गया हाय बच गया पकड़ लिया था इस ग्रैनी ने है ना मुंह के सामने गई यार क्या करू मैं क्रैंक कहा गया मेरा ये देखो वहां पे आई नो मुझे मुझे पूरा ये कहना क्रैंक का काम यहीं पे है पर मैं क्रैंक से खोल कैसे सकता हूं उसको मैं अभी ये सोच रहा हूं यहां पे ओ यहां देखो यहां पे क्रैंक लगने वाला पक्का आई नीड अ ब्रिज क्रैंक अब वो क्रैंक मैंने अंदर फेंका था लिफ्ट से नीचे एंड बस मेरे को वो क्रैंक अब मिल नहीं रहा है वाई बिकॉज वो ग्लिच के थ्रू गायब हो गया बिकॉज लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है ना तो वो क्रैंक ही गायब करती है उस लिफ्ट ने यार okay, अभी मेरे दो लाइफ बची हुई है ना तो रिस्क लेना तो बनता है यार यहाँ पे शोर करते हैं और खुद ऊपर जाएंगे अब देखो ग्रहणी आ गई है और ग्रहण यहां से आगे के लिए जाएगी अभी ये अब देख लिया मेरे को अभी कितनी अस्सी साल है भाई इसकी उम्र पर इसकी आंखें देख रहे हो तुम कितनी तेज है कुछ भी ऐसा होता है क्या कहीं पे अभी तो मेरे को भाई ग्रैंड पा से डर लग रहा है वो ग्रैंड पा सबसे बड़ी दिक्कत की जड़ है अभी आप देखो इसने मुंह के सामने वो नीचे गिराया मैं यहां से अंदर जा ही नहीं सकता यार अरे वैसे मेरी मेरी क्यों लग रही है यार यार मेरे को इतना अच्छा खासा क्रैंक मिला हुआ है यार फिर तुमने फिर से वही कर दिया यार ये देखो भाई अब बीच गेट बेस इसने ये लगाया हुआ ग्रानी ने मैं क्या करूं ये ऊपर जा चुके हैं नाइस गो बच बचा के बच बचा के या लाइक दिस एग्जैक्टली अभी अभी ग्रैंड पा की पोजिशन नहीं पता है तो थोड़ा सा डर है मेरे को है ना कुछ भी हो सकता है देखो गाइस सिंपल सी बात है मैंने यहाँ पर क्रैंक को गिराया था बट अभी यहां पर क्रैंक नहीं है एंड वेर इज क्रैंक आई है इस चाबी को पहले बाहर गिरा बहुत ज्यादा शोर है लिफ्ट के अंदर ना और या okay? क्रैक ढूंढने की कोशिश करते अरे लिफ्ट में ग्लिच हो गया देखो बटन दबा रहा कुछ भी नहीं हो रहा है लिफ्ट में ग्लिच हो चुका है बिकॉज ऑफ क्रैंक यहाँ पर कहीं पर फंसा हुआ है यार ये क्या मजाक है यार ये ही होना बाकी होता है क्या ये गलत बात होगी ग्लिच हो चुकी है गेम मेरे लिए यार सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा क्यों होता है यार सिर्फ क्रैंक रह गया था लगाने के लिए बाकी पूरी सॉल्व हो गई थी यार मेन गेट तक खोल चुका हूं मैं बाहर का कमाने यार ओके okay, मैं हार नहीं मानूंगा आप देखो मरना है तो मर जाएंगे पर बिना हार माने मरेंगे हाय 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 गॉड गॉड मैं मैं गया अभी गाइस देखो तुम लोग भी अपना पोजिशन चेंज कर करके भाग रहा हूँ ताकि ये ना बजे मेरे को शॉर्ट गन ये अब नहीं मार पाएगा बेटा अब मैं यहां से निकल जाऊंगा बच गया ओके अब ये दोनों पीछे हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है आई नो दिस मेरे हाथ में दे आई वॉन्ट माई शॉर्ट गन बैक तेरे को बताता बुढ़े में आ जा तू अब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है शायद से जो की है ये लिफ्ट इस लिफ्ट को मैं यहाँ से ऊपर बुला सकता हूँ शायद ये देखो यार लिफ्ट हमारी खराब हो चुकी है यार कम ऑन यार किस्मत खराब की भी मतलब हद होती है I know this is a glitch, 100 ही glitch है। तेरे को नीचे गिराया अब देख तेरे को जैसे नीचे गिराऊंगा ना तो तेरा बुढ़ा पति यहाँ पे सोया हुआ है इसकी शॉर्ट गन में ऐसे ही उठा दूंगा आ जा सोते सोते ही पर

अरे कोई ना कोई मेरे पीछे है पूरी मिस्ट्री सॉल्व होने के बावजूद भी इसको बोलते हारना अभी एक शॉट से ही दोनों के दोनों घुस गए थे व्हाट वैक आ जाओ अब यहाँ पर मैंने देखी थी दो शॉट गन के शेल्स ओके और ये आखिरी दो है इसके अलावा और आई सो so, है की हैक ही नहीं है अब देखो ये हमारा काम तो कर नहीं रहा है अब मैं क्या ही करूँ यार अब मैं ऊपर जाके एक बार चेक करता हूँ क्रैंक को कि क्या वो ऊपर है कि नहीं है क्या हमारा क्रैंक यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है सीरियस गाइस हमारा मेन डोर भी खुला हुआ है नीचे देखो समझ रहे हो ना तुम लोग हमारा मेन डोर भी खुल चुका है और वो जो क्रैंक है ना वो मुझे यहाँ पर मिला था यार बट अभी यहाँ पर भी नहीं है फिर से दोस्तों गेम ग्लिच होने से जो नुकसान होते हैं वो आपने देख लिया है अब मैं इसके अलावा इस गेम को रिस्टार्ट भी नहीं कर सकता ना यार नहीं तो हमारा ये सब कुछ फिर से स्टार्ट होने वाला है सो गाइस गाइस ये ओके मैंने हर एक चीज ट्राई कर दिया है बट अब मैं यहां के लिए क्रैंक लेकर नहीं आ सकता यार आई कांट डू एनी बहुत ज्यादा कोशिश कर लिया मैंने क्या यार इस ग्लिच ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी यार है ना ये बाय बायस इतना दुख हो रहा है मैंने वो क्रैंक को उस लिफ्ट के अंदर डाला था यार बड़े आराम से डाला था बड़े प्यार से डाला था यार गेम पार हो गई थी मतलब सिर्फ क्रैंक से गेट को खोलना था यार एंड दैट्स इट सो यार गाइस अब नेक्स्ट टाइम अगर कभी इस गेम को खेलोगे तो भाई ध्यान रखोगे कि लिफ्ट के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी है मैंने यार सो या गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलता आप लोगों से ऐसी धाउस में छोड़े मैं तब तक के लिए सी बाय बाय